कला संस्कृति आ संस्कारक संगम अपन कार्यक्रम मिथिला दर्शन गएको फाल्गुन 1 गते शनिबारका दिन राजधानीमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। मधेस र मधेस लक्षित विभिन्न सङ्घ संस्था तथा विभिन्न पेसामा रहेका करिब तीन दर्जन जति व्यक्तित्वहरूको उपस्थितिमा सो कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। स्वाधीन मधेस जनअभियान र दिया मधेस नेपालको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा देशमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार, जातिवाद, नस्लवाद र अहङ्कारवादको पराकाष्ठामा पालिएका जात, सम्प्रदाय, समुदाय र परिवारहरूको आवश्यक राजनीतिक, आर्थिक, जातीय र साम्प्रदायिक सर्जरी गरी देश मधेस र देशका अन्य सम्पूर्ण वर्ग र समुदाय मैत्री राज्य प्रणाली स्थापना गर्नुपर्नेमा जोर दिएका थिए। यसरी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबारे जानकारी गराउँदै स्वाधीन मधेस जनअभियानका संयोजक कैलाश महतो यहाँ काठमाडौँमा 2075 फाल्गुन 24 गते के दिन डॉक्टर साहब ने सीके राव जी ने नेपाल सरकार से 11 बजे सहमति की तो वो अनएक्सपेक्टेड मतलब किसी को पता नहीं था। हम खुद भी जेल से लगभग 7-8-9 दिन पहले निकले थे, हमको भी पता नहीं था। उन्होंने सहमति की, खैर मैं सहमति का विरोधी नहीं हूं, लेकिन सहमति सिर्फ सहमति के लिए हुआ उसमें मेरा विरोध रहा और मैंने विरोध यहीं से किया। राष्ट्रीय सभा गृह के कार्यक्रम से ही जब ये 11 बजे सहमति का अनाउंसमेंट किया गया पॉइंट वाइज तो मेरा सर ठनका और मैंने वहां से विरोध शुरू किया। ये जाते जाते त्रिपुरेश्वर के मसाला कॉटेज में मेरा विरोध जाहिर हुआ। उसके बाद यहाँ क्या थीमी में दीपक शाह के घर पे रात भर गाली गलौज हम लोग हुआ। हम है, डॉक्टर साहब हैं, चंदन जी हैं, अब्दुल जी हैं, इरफान जी हैं, 5 आदमी। तो मैंने डॉक्टर साहब से यही कहा था कि डॉक्टर साहब आपने जो सहमति की उस सहमति का ये राज क्या है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि कैलाश जी आप बात नहीं समझने वाले हैं। तो मैंने कहा समझा तो दीजिए। तो उन्होंने कहा कि 2 नंबर आपने देखा है, उनके 2 नंबर में क्या है। तो 2 नंबर में जन अभिमत है। तो मैंने पूछा कि जन अभिमत का अर्थ होता क्या है। तो उन्होंने कहा जन क्या कहते हैं उसको, क्या है, जनमत संग्रह। ये जनमत संग्रह होता है। मैंने कहा डॉक्टर साहब देखिए आप बहुत विद्वान आदमी है, अपने विषय में PhD कर चुके हैं, हम उतना नहीं पढ़े हैं, वो भी कहां कहां से। हम तो सोनमा से लेकर के जनकपुर, जनकपुर से राजगिरा, राजगिरा से काठमांडू यहीं तक, तो हम उतना आदमी जैसे नहीं पढ़े हैं। लेकिन जहां तक मैंने भाषा पढ़ा है तो जन अभिमत शब्द का एक अर्थ होता होगा जनमत संग्रह, लेकिन पूरे के पूरे अर्थ जनमत संग्रह नहीं होता, उसका और भी अर्थ होता है। तो मान लीजिए आप जनमत संग्रह की यहां पे जो बात आपने की है तो KP शर्मा ओली कल आप कहेंगे नहीं KP जी हमने जनमत संग्रह का अर्थ लगाया है। KP जी कल कहेंगे कि है ना मेरे जनमत संग्रह पूछे के छे नहीं, ये शब्द का अर्थ जनमत संग्रह होते हुए ना मेरे लगी हो, तब तो मुसीबत हो गया। दूसरी बात कि आप जो जनमत संग्रह इसको नाम दे रहे हैं तो ठीक है, जनमत संग्रह की बात आपने बुदा नंबर 2 में रखा है, आप चंदन जी से पूछ सकते हैं, अब्दुल जलील खान जी से। मैंने कहा 2 नंबर में आपने जनमत संग्रह की बात रखी है और 1 नंबर में कार्रवाई तो 1 नंबर से होगा, 1 नंबर बुदा में। तो 1 नंबर बुदा में आप जब जाते हैं तो वहां पे आपने बजावते नेपाल का संविधान, सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रीय अखंडता, भौगोलिक एकता, संवैधानिक जो शब्द हैं उनको आपने स्वीकार चुका है। तो जब आप नेपाल के संविधान को स्वीकार लिए हैं तो उसके संविधान के अनुसार तिब्बत के बॉर्डर से लेकर के 10 गज़ा भारत तक के सीमा तक ये उसके अनुसार नेपाल है। तो फिर इस बीच में मधेस स्वतंत्र मधेस कहां से आएगा। आप कहते हैं जन्म संग्रह करवाएंगे, तो जन्म संग्रह कौन से मुद्दा पे करवाएंगे। मान लीजिए आप जन्म संग्रह करवाने के पक्ष में सफल भी हो जाते हैं तो संविधान के धारा, वकील साहब आए हैं, संविधान के धारा 275 में ये तय है कि जनमत संग्रह कराया जा सकता है, लेकिन जनमत संग्रह करवाने के लिए राष्ट्रीय मुद्दा होना चाहिए। तो आप जब जनमत संग्रह करवाएंगे तो कौन से मुद्दा पे, तो स्वतंत्र मधेश पे करवाएंगे। तो स्वतंत्र मधेश राज्य के नजर में देशद्रोह का मुद्दा है,
फिर हम लोग का धरपकड़ होगा, फिर जेल जाना पड़ेगा, पुलिस डंडे मारेगी, तब मान लीजिए पुलिस नहीं पकड़ती है, कुछ नहीं करता है, लो चलो इस जन्म संग्रह करवाओ, तो जन्म संग्रह में आप जब इस मुद्दा को ले जाएंगे स्वतंत्र मधेश को, तो फिर उसी धारा में लिखा हुआ है कि जन्म संग्रह कुने कुने विषय वस्तु मतिकरण को लगी संसद को द्वि तिहाई बहुमत ले पारित करे वो वर्ष है। तो संसद में मधेशी को दो तिहाई बहुमत का पहुंचेगा कि हम स्वतंत्र मधेश गठबंधन को जन्म संग्रह में ले जाएंगे और दो तिहाई बहुमत से पारित करवाएंगे, ये कब पहुंचेगा? तब लास्ट में डॉक्टर साहब मतलब निराश हो गए और लगभग 4:15 सवेर में ये जो पन्ना को फाड़ करके कहते कैलाश जी नहीं होगा ना, तो ये पन्ना को फाड़ करके तब आगे बढ़ेंगे। तो हम बोले कि देखिए ये तो बकवास हुआ, ये मुद्दा कहां से कहां तक चला गया था, हम लोग 6 महीना से लेकर साल भर जेल में रह जाते तो क्या बिगड़ जाता, कोई कुछ नहीं बिगड़ने वाला था। और यहां पे हम वो बात यहां पे कहना नहीं चाहेंगे, अगर हम लोग 6 महीना और साल भर अगर जेल में रह जाते तो मधेश में वही होता जो हम लोगों ने अभी तक कल्पना किया ही नहीं है, वही होने वाला था। और ये बात नेकपा के बड़े बड़े नेता मेरे साथी जो हैं सचिवालय के उनके जुबान से मैंने सुना है कि कैलाश तिमी हरूले सहमति न कर दिए भय मधेश में यो होने वाला थी, हम ही यहां मतलब ये तो होती वहां पर वो चांस छूटा है, कैलाश महतो को पीड़ा हुआ है। और तब जाकर के तो उन्होंने कहा कि हम रास्ता बदले हैं, तो स्वतंत्र मधेश गठबंधन में रास्ता क्लियर था, रोड मैप क्लियर था, ऐसे ऐसे आजादी लेना। तो अब ये जनमत पार्टी बनाया गया, ये भी किसी से बिना पूछे, वो किसी से कुछ नहीं किया पूछे हैं कभी भी, आज कहीं पूछ रहे होंगे अपने हमारे हटने के बाद। तो मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब ये जो आपने सहमति किया क्या है इस सहमति में, तो उनका जवाब आज तक इसका कुछ नहीं। और तब हम लोगों ने निर्णय किया कि इनके साथ में समय बिताना हमारे लिए बेकार है, तो आषाढ़ 13 के दिन हम लोगों ने निर्णय किया कि नहीं हम लोग को अलग होना है, हम लोग अलग हो। अब उस अलग होने के क्रम में ये स्वाधीन मधेश जन अभियान हमने खोला, स्वाधीनता का अर्थ भी वही होता है आजादी स्वतंत्रता, और हम लोगों ने आजादी की बात को नहीं छोड़ा है, ये हम डिक्लेयर करना चाहते हैं, वो आजादी हमारा कायम है। कुछ लोग हमें गाली देते हैं कि कैलाश में दम है तो स्वतंत्र मधेश गठबंधन ही क्यों नहीं चला लेता, तो साथी लोग हम नहीं कन्विंस समझा पाए हैं। सबसे पहले मेरा तर्क है कि कैलाश महतो के नाम पे जो मास्टर डिग्री का सर्टिफिकेट बना है या SLC का, वो सर्टिफिकेट कोई आनंद गुप्ता नहीं चला पाएगा, वो सर्टिफिकेट कैलाश महतो ही चला पाएगा, इसलिए कि वो एग्जामिनेशन बोर्ड हमको दिया है। मेरा लाल पुर्जा मेरा कोई पिता भी नहीं चला पाएंगे, तो जब मेरा पिताजी भी मेरा लाल पुर्जा नहीं चला पाएंगे, मेरा सर्टिफिकेट से काम नहीं ले पाएंगे, तो क्या सीके राव जी के नाम पे नेपाल सरकार ने जो स्वतंत्र मधेश गठबंधन लाल पुर्जा दे दिया क्या कैलाश महतो चला पाएगा? कानूनी रूप में हम नहीं चला पाएंगे, व्यवहारिक रूप में भी हम नहीं चला पाएंगे, इसीलिए स्वतंत्र मधेश गठबंधन हम नहीं चला पाएंगे, लोगों में ये संदेश जाए। और मैंने यहां पे आजादी की बात की, मेरा हमारा वही मुद्दा है आजादी, लेकिन आजादी को हमने 3 लेवल में ये किया। अब हम गौतम बुद्ध के तरह हम आजाद नहीं हो पाएंगे, हमारा वो औकात नहीं है गौतम बुद्ध बनना, लेकिन आजाद होने वाले हम ही हमारे नजर में विश्व में 3 लेवल का आजादी है, जैसे जिन्ना की आजादी या शेख बेमजबूर रहमान की आजादी, ठीक है? उन्होंने क्या किया, जमीन को तोड़ करके एक देश बनाया, आजाद कहलाया, ठीक है? इंडिया को तोड़ करके पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान को तोड़ करके बांग्लादेश, जमीन को तोड़ करके आजादी लेना, ये एक आजादी है। वो आजादी डॉक्टर साहब सोच रहे थे, डॉक्टर साहब कहां ले गए वो आजादी, तो हम लोगों को पता नहीं। दूसरा आजादी, ये मेरा विश्लेषण है, दूसरा आजादी ये होता है महात्मा गांधी की आजादी। महात्मा गांधी ने यह कहा कि हमारे ऊपर भारत के ऊपर बाहर के लोग जो शासन कर रहे हैं वो शासन खत्म होना चाहिए, हमें आजादी मिलनी चाहिए, गांधी ने वो किया और देश को आजादी दिलाया, शासकों को वहां से भगाया, एक आजादी वो है। और तीसरा आजादी मंडेला की आजादी है, मंडेला ने न किसी को भगाया न किसी को गाली दिया, उन्होंने ये कहा कि इस अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका में जो भी लोग बाहर से भी आ चुके हैं
यहाँ के नागरिक बन चुके हैं वो सब अफ्रीकन है, सबका अधिकार उतना ही है। लेकिन हमारा मांग ये है, हम इस रूप में आजाद होना चाहते हैं, दक्षिण अफ्रीका में काले लोगों को आजाद करना चाहते हैं कि अपने अपने जनसंख्या के आधार पर सब आदमी शासन करें, सब स्वतंत्र हो, सब आजाद हो। अगर 13% का गोरे हैं वो 13% में आजादी लेकर के रहें, कोई भेदभाव नहीं। हम 87% काले वाले हैं, हम 87% आजादी में रहना चाहते हैं। हम लोग स्वाधीन मधेश जन अभियान का यही नारा है कि हम नेपाल के राजनीतिक सीमा के भीतर मधेशले सशक्त मधेश चाहेको, मजबूत देश मांगेको तथा मधेशले समान र पहिचान खोजेको भन्दै देशले नै विश्वमा प्रतिष्ठा र उच्च स्थान खोजेको अवस्था छ। मधेशले समानता र स्वाधीनता खोजेको तथा देशले नै आफ्नो महानता र समानता चाहेको सहभागीहरूले धारणा राखेका थिए। मधेशले देशमा समानुपातिक सहभागिता र देशले सबैको आवश्यकता खोजिरहेको धारणा समेत राख्दै थिए। यसरी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै तराई मधेश परिषदका संयोजक अधिवक्ता विकास कुमार ठाकुर। सबसे पहले समझने वाली बात है कि मधेश किसको कहेंगे और मधेश कहाँ है, और मधेश कहने के लिए सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए या नीति या सिद्धांत या विचार चाहिए। आज के दिन के लिए सबसे बड़ा प्रश्न इसकी मैं कहां से जोड़ता हूं। आज मधेश में देखिएगा तो एक तरह का पैटर्न चला हुआ है जिसको एलीट वर्ग कहते हैं, एलीट वर्ग में कि अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को, अपनी पहचान से इरिटेशन जो होता है ये आप बहुत जगह देख सकते हैं, उसमें भी शहरी अवस्था में। तो उसकी अपनी भाषा बोलने का अर्थ है, आप उनसे मैथिली में बात कीजिएगा, आप उनसे नेपाली, उनसे रिप्लाई नेपाली में होगा। तो इसको मनोविज्ञान को समझना होगा, शासित समुदाय का एक मनोविज्ञान क्या होता है। उसको ये लगता है मेरी पहचान और मेरी संस्कार ही मेरी शोषण का मूल जड़िया है, ये साइकोलॉजी होता है। और इसीलिए वो क्या करता है, अपनी पहचान को छोड़ना चाहता है। 3 दर्जन जति मधेश र मधेश लक्षित विभिन्न पेसामा रहेकाहरूको विशेष उपस्थितिमा सम्पन्न सो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मधेश जनविद्रोह 2063 का संयोजक दीपक कुमार झाको सहभागिता समेत रहेको थियो।